सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया आदि महोत्सव का उद्घाटन, जनजातीय कला संस्कृति की दिखी झलक। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू, 259 उम्मीदवारों की किस्मत होगी ईवीएम में बंद। सदन में हंगामे पर बोले ओम बिरला, कहा नारे लगाने चिल्लाने से नेता नहीं बनते, चर्चा संवाद से बनते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, बोले संतों की रचनाएं देश की एकता के लिए उपयोगी, सभी भाषाओं में होना चाहिए अनुवाद। कांग्रेस लीडरशिप से खुश नहीं सचिन पायलट, गहलोत के वफादारों पर एक्शन न होने पर उठाए सवाल, बोले जल्द हो फैसला। अजीत पवार के साथ शपथ लेने को लेकर दिए बयान पर देवेंद्र फडणवीस, कायम रहा समय और आने पर इस पर और बोलूंगा। सीएम ममता बनर्जी के बुलाने पर भी मीटिंग में नहीं पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, कहा धोखा देने वाली ऐसी फर्जी मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते। कर्नाटक बीजेपी प्रमुख नलिन कुमार कटल का विवादित बयान, बोले टीपू सुल्तान के अनुयायियों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। वक्फ बोर्ड में साध्वी प्रज्ञा का वार, बोली देश में इस तरह से माफिया पनप रहे, सनातन बोर्ड बनाने को लेकर सहमति जताई है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर बरसे असुद्दीन ओवैसी, बोले एक सरकार क्यों खामोश बैठी है, कोई हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है। राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों के नोटिस पर एलएस सचिवालय को दिया जवाब, कहा लोकसभा में दिया गया बयान बिल्कुल सही है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा का बयान, कहा राजीव बनर्जी समेत दो बड़े चेहरे जिनके कई इर्द गिर्द घूमती है त्रिपुरा की पूरी सियासत। घरेलू उद्योगों से होगी 75% रक्षा खरीद, एयरो इंडिया 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ ने किया ऐलान। चीन बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी के साथ नई बटालियन बनेगी, 9400 नए पद और एक सेक्टर हेडक्वार्टर भी मंजूरी। छठे ज्योतिर्लिंग को असम सरकार ने बताया अपना, शिवसेना एनसीपी, बोली पहले महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट चुराए अब भगवान छीन रही है भाजपा। सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले अभी लखनऊ ही रहेगा राजधानी का नाम, जब बदलना होगा तो दमदार तरीके से करेंगे। हिंदू राष्ट्र को लेकर बोले सीएम योगी, भारत हिंदू राष्ट्र और यहां सब हिंदू, ये मजहब नहीं सांस्कृतिक शब्दावली है जो सब पर फिट बैठती है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में 22 फरवरी को पेश होगा बजट, पहले दिन होगा राज्यपाल का अभिभाषण। स्वामी प्रसाद मौर्य पर तलवार से हमला, पुलिस आयुक्त को पत्र लिख संत राजू दास पर लगाया आरोप।
पूर्वोत्तर राज्यों से आए विद्यार्थी समूह ने की सीएम योगी से भेंट, मुख्यमंत्री ने की राष्ट्रवादी भावना की सराहना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर कसा तंज, बोली समाजवादी पार्टी का असली नाम साजिशवादी पार्टी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश पर क्या वार, बोली सपा नेता के राज श्री रामचरितमानस पर बयानबाजी के डायरेक्टर अखिलेश। मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ बयान पर सलमान खुर्शीद ने जताया खेद, हाईकोर्ट ने रद्द की कार्यवाही। स्वामी यतनानंद गिरी महाराज ने मद्दी पर की तलख टिप्पणी, कहा मौलाना मद्दी के बयान मनगढ़ंत है, अपनी अज्ञानता को दूर करें। नरसिंहानंद ने मंदी को सनातन में आने का दिया न्योता, कहा मुसलमान सनातन में नहीं आते तब तक शांति संभव नहीं। मुरादाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट की हत्या, दोस्त के साथ कार में थे, फोन आया तो उतर कर बात करने लगी। बांदा में स्कॉर्पियो बोलेरो की टक्कर, चार की मौत, छह घायल, एक बारात से लौट रही थी दोनों गाड़ियां। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष की वाइफ समेत चार पर चार्जशीट, गाजियाबाद में स्ट्रीट डॉग को लेकर हुई थी मारपीट। झांसी में फर्जी सीबीआई ऑफिसर गिरफ्तार, हिंदू था मुस्लिम बनकर रह रहा था, एसपी बोली 50 को ठगने का था टारगेट। लव अफेयर में हुई थी आशीष की हत्या, प्रेमिका के पिता और मंगेतर ने मिलकर मारा, मथुरा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में तेंदुए की दहशत बरकरार, किढ़ारा गांव में 28 जनवरी को दिखा था तेंदुआ, अब हदुआगंज के गांव वालों ने बनाया वीडियो। राजगंज में पोते ने दादा को मारी 3 गोली, पैसे को लेकर चल रहा था विवाद, नाती के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे 2 लाख। सहारनपुर में 3 सिपाही और थानाध्यक्ष फरार, साल 2013 में पुलिस की थर्ड डिग्री से हुई थी पूर्व प्रधान की मौत। रामपुर के उपल होटल में ताबड़तोड़ फायरिंग, पार्टी के दौरान शराब के नशे में हुआ झगड़ा, छात्रों की फायरिंग। सास के सामने दामाद ने पत्नी को मारी गोली, शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद, 8 माह बाद आई थी पत्नी। सहारनपुर में हत्या के 4 दोषियों को उम्र कैद, साल 2016 में युवक के पेट में मारी थी गोली। प्रयागराज में लगातार 3री टप्पेबाजी, बारात का स्वागत करने गेट पर खड़े पिता का बैग काटकर टप्पेबाज ने 82,000 रुपए उड़ाए। बिजनौर के एसपी को पैरालिसिस अटैक, मेरठ के मिम्से अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालत गंभीर। कानपुर में नाबालिग नौकरानी से गैंगरेप, मालिक और उसके 2 बेटों पर लगाया रेप का आरोप, कोर्ट के आदेश पर चकेरी थाने में एफआईआर। गोरखपुर में 5 अवैध प्लॉटिंग पर चलाया जीडीए का बुलडोजर, 1 महीने के बाद जीडीए ने फिर शुरू की कार्यवाही।
औरैया में कपड़े की दुकान में अज्ञात कारणों से लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। फिरोजाबाद में दबंगों ने मामूली बात को लेकर वृद्ध को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने हत्यारोपी को किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर में दो मालगाड़ियों की आमने सामने टक्कर, लखनऊ प्रयागराज रेलवे ट्रैक बाधित होने से हादसे में मालगाड़ी का ड्राइवर घायल। कानपुर में चलती कार में लगी आग, आग लगने से धू धू कर जली कार, कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। पत्नी की हत्या में नामजद पति अरेस्ट, मेरठ के एकता नगर नगर में मिली थी विवाहिता की लाश। सीएम धामी ने लॉन्च किया गढ़वाली फिल्म यू कनू रिश्ता का टीजर, उपन्यास छूट गया पड़ाव पर बनी फिल्म। उत्तराखंड के जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के लिए पुनर्वास नीति पर मुहर, भवन मुआवजे की दरें तय। उत्तराखंड में निजी क्षेत्र में भी खोले जाएंगे औद्योगिक आस्थान, मैदानी क्षेत्र में 30 एकड़ जमीन जरूरी। उत्तराखंड के बागेश्वर में हत्या के मामले में एक नेपाली नागरिक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास, अर्थदंड भी लगाया। उत्तराखंड में पहली बार कैमरे में कैद हुआ हिम तेंदुआ, 6 सालों की बात मेहनत में मिली कामयाबी। उत्तराखंड में बीड़ी जलाते समय पेंट में ब्रश पर लगे थीनस ने पकड़ी आग, एक ही परिवार के 3 लोग बुरी तरह से झुलसे। उत्तराखंड के कोसी रेंज में पकड़ी गई बाघिन आदमखोर घोषित, 3 लोगों को बना चुकी थी निवाला। क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा तय, पुनर्वास के 3 विकल्पों को कैबिनेट की मंजूरी, सर्किलेट में 15% बढ़ा। जोशीमठ के मनोहर बाग वार्ड में बढ़ रही दरारें, उद्यान विभाग की भूमि पर फ्री कैबिनेट घर का निर्माण पूरा। उत्तराखंड में वायुसेना को सौंपी जाएगी सीमांत जिले की पिथौरागढ़ की नैनी सैनी हवाई पट्टी, जल्द होगा अनुबंध। उत्तराखंड के देहरादून में टेंट में गोदाम में भीषण आग लगी, सिलेंडर में हुआ था धमाका, लाखों का नुकसान। देहरादून में युवाओं का प्रदर्शन जारी, सचिवालय कूच करने जा रही महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। उत्तराखंड में फरवरी में पड़ सकती है अप्रैल की गर्मी, उच्च हिमालय इलाकों में एवलांच की संभावना। उत्तराखंड में नाश्ता कर रहे कांवड़ियों पर मांस फेंकने पर बवाल, जसपुर में हंगामा, गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन। हाईकोर्ट जज की निगरानी में होगी एसआईटी और एसटीएफ की जांच, पुरानी परीक्षाओं के अगले चरणों पर नया कानून लागू। अमेरिकन आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 2 की मौत, जमीन पर गिरते ही हेलीकॉप्टर में लगी आग।
फायरिंग से फिर दहला अमेरिका। टेक्सास में शॉपिंग मॉल में चली ताबड़तोड़ गोलियां, एक की मौत, तीन जख्मी। अमेरिका का दावा, ईरान से आतंकी फैक्ट्री चला रहा है अलकायदा का नया मुखिया, 30 की उम्र में फैला चुका है दहशत। जो बाइडेन पर कस सकता है शिकंजा, दस्तावेज की तलाश में डेलावेयर विश्वविद्यालय पहुंची एफबीआई की टीम। पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री अपमानजनक, इसे देखकर खून खौल उठा बीबीसी। विवाद पर भड़के ब्रिटेन के सांसद। तुर्की सीरिया में 41,000 से ज्यादा मौतें, सीरिया में 5,800 जाने गई हैं। तुर्की में भूकंप के 10 दिन बाद भी रेस्क्यू जारी है। तालिबान की धमकी से सहमा चीन, पाकिस्तान में कौंसुलर ऑफिस पर ताला, नागरिकों से कहा पाक में रहना खतरनाक। जर्मनी में दर्जनों फ्लाइट्स कैंसिल, लुफ्तांसा एयरलाइंस में कंप्यूटर सिस्टम में खराबी, पिछले महीने यूएस में हुई थी दिक्कत। न्यूजीलैंड में साइक्लोन ग्रेवियल के बाद भूकंप, रिएक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता, परमाबेव शहर से 50 किलोमीटर दूर था केंद्र। अमेरिका की वार्निंग, रूस से तुरंत लौटे यूएस सिटीजन, का बेवजह अमेरिकी नागरिकों को पकड़ रहा है रूस। शाओमी टीवी स्टिक 4 के भारत में लॉन्च, सस्ता और पोर्टेबल डिवाइस लगाकर नॉर्मल टीवी को बनाया स्मार्ट। दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील, बोइंग से 220 और एयरबस से 250 एयरक्राफ्ट खरीदेगी टाटा। डॉग फ्लो की बना ट्विटर का नया सीईओ एलन मस्क ने कहा ये दूसरे लोगों से काफी अच्छा और स्टाइलिश भी है। डीबी पावर के अधिग्रहण की अब नहीं होगी डील, अडानी समूह ने एक्सचेंज फाइनलिंग में जानकारी दी है। भारत का व्यापार घाटा, 12 महीने के निचले स्तर पर निर्यात आयात में लगातार दूसरी माह गिरावट। महंगाई से निपटने की तैयारी में आरबीआई, ईंधन समेत कुछ अन्य उत्पादों पर घटा सकती है टैक्स। आईएमएफ ने जारी की वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट, इस साल वैश्विक मुद्रास्फीति में गिरावट का अनुमान। ऐप आधारित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई, प्रवर्तन निदेशालय ने 29.5 करोड़ रुपए की फ्रीज। लुफ्तांसा एयरलाइंस के सिस्टम में तकनीकी खराबी, विमानों को उड़ान भरने से रोका गया, कई फ्लाइट रद्द। एसबीआई में एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज, एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी, 3 से 7% तक मिलेगा इंटरेस्ट। भारत ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट कल से दिल्ली में, 7वां टेस्ट खेलेंगे पुजारा, अय्यर भी फिट। पीएसएल में गेंदबाज ने 150 की स्पीड से फेंकी गेंद, 20 साल के पेसर ने सरफराज अहमद को किया बोल्ड, लिए 5 विकेट।
वेस्टइंडीज में तीनों फॉर्मेट के अलग कप्तान शाई होप को वनडे और रोमैन पावेल को टी20 की कमान। शाहिद अफरीदी का बड़ा बयान, बोली बीसीसीआई के सामने आईसीसी भी कुछ नहीं कर पाएगा। वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप में मुनीबा अली के सामने पस्त हुआ आयरलैंड, पाकिस्तान ने विश्व कप में दर्ज की पहली जीत। वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा सेमीफाइनल के करीब पहुंची थी। वर्ल्ड क्रिकेट में भारत की 6 घंटे की बादशाहत, आईसीसी की गलती से तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना था भारत, अब ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में टॉप पर। सानिया मिर्जा होंगी आरसीबी वुमेन्स टीम की मेंटर, डब्ल्यूपीएल में टीम के साथ जुड़ेंगी, कहा प्रेशर से लड़ना जरूरी। वुमेन्स आईपीएल नीलामी पर भड़के हिमाचल के पूर्व सीएम शांता कुमार, बोले वुमेन प्लेयर्स को बिकी हुई कहना दुर्भाग्यपूर्ण। नेट्स में स्पिनर के खिलाफ फंसे नजर आए कोहली, 1.5 घंटे की बैटिंग में कई बार आउट, स्लिप में कैच प्रैक्टिस भी की। जाने दुश्मन राकेश शर्लिन बनी पक्की सहेली, फूल देकर दूर किए गिले शिकवे ट्रोलर्स ने दोनों को बताया ड्रामेबाज। चाइनीज बच्चे ने शाहरुख के गाने पर किया डांस, यूजर्स ने कहा पठान को चीन में भी रिलीज करना चाहिए। प्रतीक बब्बर को फिर हुआ प्यार, गर्लफ्रेंड प्रिया बनर्जी के साथ फ्लॉन्ट किया टैटू, पोस्ट शेयर कर रिलेशनशिप पर लगाई मुहर। गदर 2 के एक दूसरे की आंखों में खोए दिखे तारा सिंह और सकीना, सनी देओल ने शेयर की रोमांटिक तस्वीर। टीवी के राम को मिला महाराणा प्रताप का किरदार, गुरमीत चौधरी का इंटेंस लुक देख फैंस हुए एक्साइटेड। एयरपोर्ट पर मां गौरी के साथ स्पॉट हुई सुहाना खान, नो मेकअप लुक में आई नजर, फैंस बोले ये दोनों बहने लग रही हैं। फिल्म सेल्फी के दूसरे ट्रेलर में बायकॉट बॉलीवुड का जिक्र, अक्षय कुमार ने वीडियो शेयर, कहा जो सह रहे हैं वो कह रहे हैं। ₹500 करोड़ के क्लब में शामिल हुई पठान, बॉक्स ऑफिस पर कायम है शाहरुख खान का जलवा। रणबीर कपूर ने आलिया और बेटी राहा को किया याद, लाइव कॉन्सर्ट के दौरान विश किया वैलेंटाइन डे, बोले आई मिस यू। शाहरुख खान ने अपने दम पर हिट कराई पठान, विवेक अग्निहोत्री बोले वो समय दोबारा आ गया जब स्टार पावर से हिट होती थी। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।